हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश होने के बाद आज थोड़ी बहुत धूप निकला हुआ है, तो मेरे गार्डन में सभी प्लांट का ग्रोथ कैसा है वो मैं शेयर करूंगा। पहले मेरे यहाँ पर है ऑरेंज प्लांट। इस साल ऑरेंज प्लांट पे दो ऑरेंज लगे हैं, यहाँ पर एक है और ग्रोथ धीरे धीरे से बढ़ रहा है। कुछ दिनों से बारिश होने के कारण पौधे का हालत थोड़ा सा सही नहीं है, तो जैसे ही धूप निकलेंगे इसके ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और दिसंबर में ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएगा। और इस साइड पे मैं कुछ वेजिटेबल प्लांट्स को खरीद कर लाया हूँ, जैसे कि थोड़ी बहुत बैंगन के प्लांट है और कुछ वेजिटेबल्स की सीडलिंग करूँगा, जिसके लिए मिट्टी यहाँ पर मैं रेडी कर रहा हूँ। यहाँ पर पाट साग लगा हुआ था जिसको अभी हटाकर ये रेडी करके यहाँ पर पालंग धनिया जैसे वेजिटेबल्स मैं ग्रो करूँगा। तो आने वाले समय के लिए आप अभी ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मूली, बीन्स, मटर, पालंग, धनिया जैसे प्लांट। ऐसे छोटे से जगह के अंदर आप बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे जो बारहमासी आम के प्लांट है जिसके ऊपर एक आम लगा था, उसका ग्रोथ भी धीरे धीरे से हो रहा है। देखिए, एक ही आम लगा है, प्लांट बहुत ही छोटा है, एक फिट का होगा, जिसके अपडेट मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर रहा हूँ। और यहीं पर जो मेरे एप्पल के प्लांट है उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है और बहुत लंबा हो चुका है अभी ये, तो मुझे अभी इसको प्रूनिंग करना है। और पपाया प्लांट का भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। इस समय आप पपाया प्लांट की सीडलिंग या फिर आप पपाया प्लांट को नर्सरी से खरीद कर ला कर लगा सकते हैं। यह है ड्वार्फ वैरायटी, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ये 3 से 4 फीट का प्लांट होगा और उसमें आपको पपाया मिलेगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर अभी से ही फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। और एक प्लांट में एक ही साथ ग्रो किया था, लेकिन इसके ऊपर अच्छा धूप ना मिलने के कारण प्लांट देखिए सिर्फ 2.5 फीट का ही हुआ होगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छा नहीं है इसका। और यहीं पर जो मेरे पपाया गुआवा प्लांट है, गुआवा प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है, बहुत सारे गुआवा लग रहे हैं, फ्लावरिंग भी आना दोबारा शुरू हो चुका है। देखते हैं, यहाँ पर एक आध गुआवा लगा हुआ है, यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है जो बड़े हो रहे हैं। और इस साइड पे कुछ मिर्च के प्लांट में ग्रो किए थे जिस पर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और बहुत अच्छा फ्लावरिंग भी दोबारा शुरू हो चुका है। बारिश के कारण फ्लावर ड्रॉप हो रहे थे, लेकिन अभी धूप निकल कर आए हैं, देखते हैं अभी दोबारा इसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा और बहुत सारे इसमें मिर्च दोबारा बनना भी शुरू हो जाएगा। देखिए कितने सारे इसमें फ्लावरिंग हो रहे हैं। और यहीं पर जो मेरे बिटर गॉर्ड के प्लांट थे जिसको मैं देखिए सपोर्ट दे दिया था, तो एकदम ऊपर तक चढ़ चुका है और उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इसमें बिटर गॉर्ड मतलब करेला भी बनना शुरू हो जाएगा। दो प्लांट लगाया था, दोनों प्लांट का ही ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। इस थर्मोकोल डिब्बे के अंदर जहाँ पर मेरे एक मिर्च के प्लांट था, तो उसको हटाकर वहीं पर मैं दो बिटर गॉर्ड के प्लांट की सीडलिंग किया था। दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत सारे मुझे उम्मीद है आने वाले समय में बिटर गॉर्ड मिल सकता है, तो ये सही वक्त है, इस समय आप बिटर गॉर्ड प्लांट की सीडलिंग कर सकते हैं। और यहीं पर मेरे कॉर्न के कुछ प्लांट नया ग्रो किया था जिसके अंदर दोबारा कॉर्न बनना शुरू हो चुका है। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इस यहाँ पर और यहाँ और पीछे यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो कुल 4 प्लांट है, चारों प्लांट पे ही कॉर्न बनना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर कुछ 4 प्लांट है, यहाँ पर भी आने वाले समय में कॉर्न बनेगा। और कुछ पुराने जो प्लांट थे उसको मैं हटाकर यहाँ पर नया जैसे जो मैं बैंगन की प्लांट को लाया हूँ उसकी पॉटिंग कर दूंगा। और हिमसागर वाले जो आम के वैरायटी है उसके भी ग्रोथ हो रहे हैं। यहाँ पर 4 ब्रांच निकल कर आया था जिनमें से एक ब्रांच को मैं प्रूनिंग कर दिया हूँ, जिसके बारे में मैं शेयर भी किया था। तो इसके बाद अगर जो ब्रांच आएगा उस पर मैं 2 ही ब्रांच को रखूंगा, हर एक ब्रांच के ऊपर 2 ब्रांच रखना है। और इस तरीके से आप प्लांट की प्रूनिंग करते रहिए, तो आने वाले 1 साल के अंदर ही मेरे इस प्लांट पे उम्मीद है मैंगो बनना भी शुरू हो जाएगा। और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, देखिए यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है, तो आप हमेशा ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट ही
खरीदा कीजिए और इसको पॉटिंग कर दीजिए। जैसे कि मैं देखिए 10 इंच क्ले पॉट के अंदर इसको फिलहाल लगाकर रखा हूँ। अभी कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद मैं इसे शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो इसमें प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। और प्लांट क्योंकि ग्राफ्टेड है तो उम्मीद है ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कुछ 4 से 5 फीट का ही प्लांट होगा, उसके बाद ही मुझे आम मिलने वाला है। और इस साइड पे जो शुगर केन के प्लांट थे उनमें भी ग्रोथ हो रहा है। इस साइड पे भी और कुछ प्लांट है, इसके भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था बारिश के बाद मेरे कुछ प्लांट का अपडेट। और ये सही वक्त है आप आने वाले समय के लिए कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया बैगन, टमाटर, धनिया, पालंग जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा आप मूली, बीन्स और मटर के भी सीडलिंग कर सकते हैं। तो आने वाले दिसंबर से ही आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।